आज से शुरू हो चुका है पितृपक्ष का त्योहार और इस नाम से ही पता चलता है कि पितृपक्ष यानी पूर्वजों का त्योहार है, जिनके वंश उनकी 15 दिन तक सेवा करते हैं। इससे गुजरे हुए पूर्वजों का प्यार आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। इस दौरान बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है और ऐसे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है। पितृपक्ष को पूर्वजों के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धा पूर्वक पितरों की पूजा की जाती है, जिससे साल भर पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहे। इस दौरान दान पुण्य करना और पितरों के नाम पर खाना खिलाना अच्छा माना जाता है। इन सब के अलावा जो इस दौरान श्रद्ध कर्म करते हैं उनके लिए कुछ नियम कायदे हैं जो उन्हें इस दौरान करने ही चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस विधि से काम नहीं किया जाता तो पितर दुखी होते हैं और उनका गुस्सा परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। बिहार में ऐसी मान्यता है कि पितरों के निमंत्रण सिर्फ दोपहर में ही दिए जाते हैं। कहा जाता है कि जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लगे तब श्राद्ध कर्म करना उचित होता है। अगर दोपहर से पहले ही काम शुरू कर दिया जाता है तो ये शुभ फलदायक नहीं होता। जानकारी के लिए बता दें कि इन 15 दिनों में घर के पुरुष ना तो बाल काट सकते हैं और ना ही नाखून काट सकते हैं। पितरों के लिए किए जाने वाले क्रम के दौरान जनेऊ दाएं कंधे पर हो, साथ ही आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो, इस तरह से आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप कर्म नहीं करते तो फिर पितरों को आपके द्वारा किए कर्म नहीं पहुंचते हैं। श्राद्ध के दौरान पितरों को भोग लगाए जाने वाली चीज़ें सादी होनी चाहिए और 15 दिनों के लिए घर में रसोई लहसुन प्याज सहित भोजन नहीं बनाने चाहिए। जहां तक बात नियमों की है तो पितृपक्ष के दौरान आलू मूली बैंगन अरबी और ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां पितरों को नहीं चढ़ती, लेकिन इसमें भी स्थान और मान्यताओं के आधार पर बदलाव है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।